दिल्ली में आज़ादी से लेके आज तक टोटल 102 अंडरपास या फ्लाईओवर बनाए गए, तो 75 साल में टोटल 102 बने, जिसमें से 30 फ्लाईओवर या अंडरपास पिछले 8 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार में बने हैं और 25 और पाइपलाइन में हैं, तो 125 के करीब हो जाएंगे। इन 125 में से 50% आधे बने आम आदमी पार्टी की सरकार में और आधे बने 70 साल में। तो जितना काम 70 साल में हुआ उतना काम अकेले आम आदमी पार्टी की 8-10 साल की सरकार में हुआ। आपने कहा 557 करोड़ बचाए हैं, फिर भी हर फ्लाईओवर के अंदर हमने पैसे बचाए हैं। हम देखते हैं पूरे देश में जहाँ भी सरकारी काम होता है, 100 करोड़ का काम होना हो तो वो होते 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 टाइम एक्सटेंशन होता जाता है, कॉस्ट एस्केलेशन होता जाता है। 100 करोड़ का काम होना हो तो 500 करोड़ का 1000 करोड़ का होता है। दिल्ली में हमने हर, जैसे आज ये जो फ्लाईओवर है इसकी लागत 66 करोड़ थी, इसकी लागत 66 करोड़ का काम हमने 50 करोड़ में पूरा कर दिया। इसी तरह से हर काम में हमने पैसे बचाए हैं और लगभग 557 करोड़ रुपए हम लोगों ने अभी तक 30 फ्लाईओवर जो बनाए उसमें 557 करोड़ रुपए बचाए।